केस स्टडी का जो क्वेश्चन है इसमें ग्रीम ब्रदर्स का सोर्स बेस क्वेश्चन आपको दिया, जो मैसेज है उसमें पूरा प्रॉपर पैराग्राफ होगा, लाइक एनी पैराग्राफ कैन बी इन द केस स्टडी और सोर्स बेस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड द ग्रीम ब्रदर्स गिव द टेल्स, स्टोरीज, स्टोरीज को क्या बोलते हैं, टेल्स, अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फॉक करेक्टर, यानी कि उन्होंने पुराने फॉक के करेक्टर्स को चेंज नहीं किया। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, इट बिकेम अ मॉडल फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैंटेसी टेल, इट फॉर्म द बेसिस फॉर द साइंस एंड लैंग्वेज, पीपल इजिली एक्सेप्टेड द रिटन एडवेंचरस टेल्स। तो इसका राइट आंसर वही, इसका राइट आंसर वही होगा जो इस पैराग्राफ में होगा वर्डिंग के अकॉर्डिंग। सो राइट आंसर हियर इज द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। इसका मतलब है कि ग्रिम ब्रदर्स की जो कलेक्शन थी जर्मनी में, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया एंड फर्स्ट टाइम किसी राइटर ने फॉक स्टोरीज को कलेक्ट किया हो जर्मनी में। देन नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉज वाइड स्प्रेड, आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। नंबर वन, डिवेलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, सेटिंग अप ऑफ न्यू पोलिटिकल पार्टीज, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग और एमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। एथनिक, राइट आंसर इज एथनिक बिलोंगिंग का मतलब है जब हम अलग अलग तरह की स्टोरी सुनते हैं तो एथनिक का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स तो जो स्टेटमेंट होगी उसी में से होगा। लाइक इसमें क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट द टेल्स, दे बिलीव इन अ स्पिरिट ऑफ डैश, स्पिरिट ऑफ डैश एंड कंसिडर्ड इट एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसमें बेस्ट वर्ड क्या आ सकता है, नंबर वन कल्चरलिज्म, नंबर टू कंजर्वेशन, नंबर थ्री एक्सट्रीमिज्म, नंबर फोर लिबरलिज्म। कल्चर, कल्चर को प्रमोट किया उसने, कल्चर है ना, क्योंकि हम पढ़े किसमें, रोमांटिक आर्टिस्ट में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। देन व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग, सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। फॉरेन डोमिनेशन, जब किसी कंट्री पे फॉरेन डोमिनेशन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसी के कारण नेशन बिल्डिंग होती है। जैसे हमारी कंट्री पहले इंडिया इकट्ठा नहीं था, व्हेन ब्रिटिशर्स दे कॉलोनाइज आर कंट्री देन इंडियंस बिकेम यूनाइटेड एंड इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ एंड 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस मिली और बाद में इंडिया क्या बना, नेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई फॉरेन पावर को कंट्रोल करती है, लोग अलग अलग हैं, तभी उनमें क्या आती है, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा इसमें उन्होंने बताया है, क्वेश्चन पूछा है, जब फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो किसी भी कंट्री को ऑक्यूपाई करती हैं तो नंबर वन क्या करती हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें उन्होंने कहा सिलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वाज कंसीडर्ड थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग, थ्रेट क्यों होता है। नंबर टू इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है। थर्ड वॉयलेंस एंड मास किलिंग ऑफ पीपल, स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज इन द कंट्री, इनमें से वेरी गुड बी, ठीक है। बी का मतलब है नेटिव, जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को क्या किया, डिस्करेज किया एंड दे गेव अस इंग्लिश। आज वो हमें एक ऐसी लैंग्वेज दे गए हैं जिसमें कि मोर देन आई थिंक 70% ऑफ पीपल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, दोज हु आर लिविंग इन साउथ इंडिया, बट इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने क्या करके जाते हुए वो हमें क्या दे गए, कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए क्या छोड़ गए, है ना, इंग्लिश। तो ये है कि नेटिव नेटिव वैल्यूज जो है वो स्पॉइल हो, हिंदी नहीं आती, मैंने कहा मोर देन 70% ऑफ द पीपल, हाँ ठीक है, मोर देन 70% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, ये
नेक्स्ट बच्चे, हाउ वर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विद देयर ओन कल्चर विद रेफरेंस टू द अबव कंटेस्ट? नंबर वन, थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू द फीलिंग ऑफ वननेस एज यूरोपियन कम्युनिटी, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड नेशनलिज्म, थ्रू द फीलिंग ऑफ कोहेरेंस इन रेफरेंस टू मैनरिज्म. थर्ड ऑप्शन. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. जिसने कहा था रेशन रीजनिंग नहीं आएगा, किसने कहा था? ओके ओके, कोई बात नहीं. अच्छा, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. वन इज assertion, सेकेंड इज रीजनिंग. लिसन, रिजाइम ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डाइसेंट. इसका रीजन क्या दिया है? कंजर्वेटिव रिजाइन्स वर ऑटोक्रेटिक. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नंबर वन क्या है? रिजाइम ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. नंबर टू, कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक. फर्स्ट इज, हाँ जी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, सो नाउ आई हैव डिस्कस्ड सैंपल पेपर विद यू. ठीक है, एंड वी विल डू अदर क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स एंड नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर. क्लियर बेटा? यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम. विच वर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम? यस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस. तो आपको कोई भी जो है ग्रुप में रिकॉग्नाइज करना आ सकता है, राइट डाउन. वेलोनिया जो है वो क्या था? फ्रेंच और डच? फ्रेंच. राइट डाउन वेलोनिया जो था दैट वॉज फ्रेंच. एंड फ्लेमिश दैट वॉज डच स्पीकिंग. फ्लेमिश दैट वॉज डच स्पीकिंग. परसेंटेज तो आपको आती है बच्चे, ये मैंने करवाई होगी. मैं बाकी चैप्टर्स की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना वो करवा रही हूँ आपको. हाँ जी, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट ऑफ बेल्जियम. आपकी बुक में एक फोटो है, सोर्स बेस भी आ सकती है, फोटो भी आ सकती है. इसके नीचे की एक्सप्लेनेशन, बेल्जियम बेस्ट कंट्री मानी गई, इसलिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने अपना जो है वो प्रॉपर पार्लियामेंट हाउस बनाया. बेल्जियम पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन. फोटो, कई बार आपको फोटो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. नीचे आपने बताना, रिकॉग्नाइज करना है बेल्जियम पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, आपकी बुक में एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो. ठीक है, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो. इसमें क्या बताया गया है? जर्मनी के बारे में आई. नोट डाउन करो जर्मनी की पार्टीज. ये जो एक कार्टून दिखाया गया है, इस कार्टून में ना, जब आप इस पिक्चर को देखोगे, इसमें दो स्टेयरिंग व्हील. ठीक है, दो स्टेयरिंग व्हील मतलब एक कंट्री को दो पार्टी चला रही है. एक कंट्री को दो पार्टी चला रही है, इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, किसी एक कंट्री में एक पार्टी मेजोरिटी में होती, दूसरी ऑपोजिशन में होती. लेकिन जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग किसी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं करते, तो दोनों पार्टीज मिलकर क्या करती हैं? फिर गवर्नमेंट बनाती है. सो राइट डाउन द नेम ऑफ पार्टीज. कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ जर्मनी इन रनिंग द कोलिजन गवर्नमेंट. यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट चलाई जा रही है. वन इज, राइट डाउन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द अदर इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी.
दीज टू पार्टीज जो थी, दीज वर राइवल्स, हमेशा एक दूसरे के राइवल थी, लेकिन लोगों ने कभी भी एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं दिया. देन दे फॉर्म, क्या बनाया उन्होंने? डू यू थिंक हमारी कंट्री में कभी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी? लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या है? कोलिजन. तो यही मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसी पिक्चर है जिसमें जो एक दिखाया गया उसमें दो स्टीयरिंग व्हील, यानी कि कंट्री को दो पार्टीज मिलकर चला रही है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट, इलेक्शंस, राइट डाउन. इन इलेक्शंस 2005 बोथ पार्टीज फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट. बोथ पार्टीज फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट. हाँ जी. नेक्स्ट आज फेडरलिज्म चैप्टर, इसमें फेडरलिज्म में आपकी बुक में मैप दिया होगा, नंबर ऑफ कंट्रीज, टोटल वर्ल्ड में कितनी फेडरल कंट्रीज हैं, यू हैव टू राइट डाउन. टोटल वर्ल्ड में कितनी फेडरल कंट्रीज हैं, यू हैव टू राइट डाउन. ओके, ये आपने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करो, इस मैप को देखो, इंफॉर्मेशन जो है गिवन है इसको रीड करो प्रॉपरली. नेक्स्ट, यस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था नागालैंड, व्हाई दिस स्टेट हैज बीन गिवन स्पेशल पावर्स. क्या स्पेशल पावर है? ये जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं बनाई गई दिस. हाँ जी. इसके अलावा एक और जो स्टेट्स हैं, लिखो नागालैंड, राइट डाउन स्टेट्स नेम. नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, दीज स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ज्योग्राफिकल डिफरेंस एंड एथनीसिटी. एथनीसिटी का मतलब होता है एथनिक कॉम्पोजिशन, ETHNICITY, एथनीसिटी. लेकिन मोस्टली हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनी, लेकिन नागालैंड जो है वो लैंग्वेज के बेस के ऊपर नहीं बनी, ये ट्राइबल कल्चर के ऊपर बनी. हाँ जी. नेक्स्ट इज, इसमें आपको लैंग्वेजेस आ सकती हैं, इन लैंग्वेजेस की लिस्ट अच्छी तरह से लर्न करनी है आपको. आपको आ सकता है विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन द 22 लैंग्वेजेस. लाइक मैं आपको एक और लैंग्वेज बोल देती हूँ, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं. अच्छा, सबसे पहले तो लिखो कौन से शेड्यूल में है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th शेड्यूल. दिस लिस्ट, ये लिस्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ये जो लिस्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, इसलिए इनको बोलते हैं शेड्यूल्ड लिस्ट. एंड विच ऑफ द लैंग्वेजेस लिस्ट में, आपने पूरी अच्छी तरह से लिस्ट को एक बार रीड कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि इस लिस्ट में कौन. कई बार ये क्वेश्चन आता है आपको, सपोज पंजाबी इज द शेड्यूल लैंग्वेज और नॉट. यस, ओके. संस्कृत इज शेड्यूल लैंग्वेज. यस, ऐसे आपको कोई भी आ सकता है ना क्वेश्चन, एक बार पता होना चाहिए. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRC? SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. बेटा हमारी कंट्री में एक कमीशन है, जब भी लोगों को लगता है कि नई स्टेट बनानी है तो ये कमीशन डिसाइड करता है. जैसे तेलंगाना बनी, या जब भी स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये कमीशन जो है अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस देते हैं. एंड ये कमीशन हमारी कंट्री में कब बना था? 1st नवंबर 1956, राइट डाउन डेट, 1st नवंबर 1956. SRC फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. विच इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट? फर्स्ट क्या है? सेंटर. सेकंड क्या है? स्टेट. थर्ड क्या है? लोकल. जहां पे भी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको फेडरेशन बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंटर से पावर ले लो, स्टेट से पावर ले लो, किसको दे दो? लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपल कमेटी स्टैंड्स फॉर स्मॉल सिटीज,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर बिग सिटीज. बिग सिटीज में क्या होते हैं? काउंसलर्स, और ये काउंसलर्स अपने में से किसको इलेक्ट करते हैं? मेयर को. स्मॉल सिटीज में भी काउंसलर होते हैं, लेकिन स्मॉल सिटीज में मेयर नहीं होता, उनके हेड को क्या बोलते हैं? चेयरमैन. दूसरी तरफ विलेज एरियाज में ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच एंड पंच. ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ये लिसन, ये पूरा विलेज है. इस विलेज में जितने भी मैन और वुमेन जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. लेकिन इस पूरे विलेज में लोग अपने में से पांच पंच और एक सरपंच इलेक्ट करते हैं. वो बन गया, वो बाहर आ गया, ये रहेगी ग्राम सभा, इधर क्या आ गया? ग्राम पंचायत. सभी ये अच्छा, विलेजेस के ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होता है? ब्लॉक, ब्लॉक समिति. जैसे ये विलेज वन, विलेज टू, विलेज थ्री, विलेज फोर, सबको कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन गया? ब्लॉक. ब्लॉक लेवल पे कौन होता है? ब्लॉक पंचायत, बीडीओ. बीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ऐसे ही आप सोच रहे हो कि अभी ये क्लास वन ब्लॉक है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, सभी ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डीसी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर. ओके, सो एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू हैव, देन सेंड मी मैसेज. ठीक है, डोंट रिलाई अपॉन र्यूमर्स. ओके बेटा, क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? Next week I will start industrialization.